ऑलराइट, सो हमारे घर में शायद से दो स्क्विरल्स है और अभी भी यहाँ पे घूम रही थी, फिर किचन में गई, अभी डर के इधर चली गई बेडरूम में। आई एम ट्राइंग टू गेट हर, बट गई कहाँ पे? पिलो के पीछे है वो, दिखी मेरे को पिलो के पीछे। शायद से वो यहाँ से आई है क्योंकि यहाँ पे खिड़की है। बस पॉटी मत कर देना जहाँ भी हो। ऑलराइट, सो ये उस दिन जो हमने पत्ते तोड़े थे ये यूज़ करेंगे। मारना नहीं है उसको, बस भगाना है। और ये डर रही है मैडम, मेरे को करना पड़ रही है। वो रही। अरे वो बच्चा है रे, ये मैं बंद कर दो, ठीक है ना? ये बंद उठ ले। हाँ, तो एक्चुअली वो एक बच्चा है और वो बाहर जो थी वो शायद से इसकी मम्मी होगी। उसको पता होगा ना कि बच्चा अंदर है, तो वो शायद से अंदर आ रही होगी। अभी वो बाहर है, डोर के बाहर बालकनी जैसा है, तो आई थिंक वहाँ से वो लोग मैनेज कर लेंगे जाना। मैंने तो फिलहाल बंद करके रखा हुआ है, देखते थोड़ी देर बाद। आई थिंक वो वीक है, इट इज़ अ वीक चाइल्ड, उसको चढ़ने को नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो जो खिड़की है, वो खिड़की के उधर एक कार्डबोर्ड का पुराना कोई बॉक्स है, उसके अंदर मैंने कुछ महीने पहले स्क्विरल को देखा था एंड उसमें स्क्विरल ने बच्चे दिए थे, शायद से वन ऑफ द वही है। मैंने देखा था बच्चा लाल, एकदम इतने थे, छोटे छोटे थे, एकदम लाल कलर का। और पुदीना एकदम बढ़िया, खेत खलियान हमारा। ऑलराइट, सो अभी बजे है रात के 7:45 और अभी शायद से होपफुली स्क्विरल जो है वो जा चुकी होगी। बस इतनी जगह, या आई थिंक शी इज गॉन। तो अच्छा हुआ खुद ही चली गई, नहीं तो उसको निकालने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना, बिकॉज ये लोग हाथ में तो आते नहीं है, मार भी नहीं सकते, प्यारा प्राणी है। सो हम लोग कर रहे हैं वर्कआउट थोड़ा बहुत। एक्चुअली कल परसों नहीं किया था, सो 2 दिन का गैप हो गया, बट ठीक है। तो अभी भी बर्पीस किया है और राइट नाउ हार्ट बीट जो है 116, 115, 152 तक गई थी। ये देखो बस हार्ट बीट का ग्राफ 142 पीक था। तो मेरे पास ये वॉच थी, मैं भूल ही गया था कि वर्कआउट का टाइम पे इसको पहन सकते हैं, काफ़ी काम आ गई, वैसे भी पड़ी हुई थी। चलो कंटिन्यू करता हूँ, मिलता हूँ। तो अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अपने चैनल पे आजकल। इसमें नॉर्मली अपने ग्रोसरीज है, क्योंकि अभी थाना में पूरा लॉकडाउन है, इसके वजह से कुछ बाहर मिल नहीं रहा है, ग्रोसरी शॉप भी बंद है, सब कुछ बंद है। फैन चालू है ना, फैन बंद करता हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ग्रोसरीज ऑनलाइन बुलानी पड़ी, एटलीस्ट ऑनलाइन मिल तो रही है। तो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अरे जम्मू कश्मीर ने टूरिज्म चालू कर दिया है, मालदीव्स का भी होने वाला है, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा। चलो सही है, टूरिज्म चालू कर दे। ऑब्वियसली यार अभी कब तक बंद रखेंगे, जाने की तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है बट नहीं जा सकते। वैसे आपको अगर कहीं जाना है, बाहर कुछ काम से जाना है, घूमने के लिए आपका प्लान है, सेफली जाओ। फ्लाइट भी चालू हो गए, होटल्स भी चालू हो गए हैं, सो डेफिनेटली आप बाहर जा तो सकते हो। और अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी होटल और फ्लाइट बुकिंग्स है वो वीगो से करें। वेल रीजन बीइंग, वीगो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट लगती है। सो बेसिकली वीगो क्या करता है, मैंने काफ़ी बार बताया है कि मल्टीपल वेबसाइट से आपको बेस्ट रेट और बेस्ट ऑफर आपके सामने प्रेजेंट कर देगा और फिर आप फ्री टू चूज़ हो आपको क्या करना है, आपको क्या बुक करना है, कौन सा होटल बुक करना है, तो बेस्ट रेट आपको मिलेगा एट अ बेस्ट पॉसिबल ऑफर। ऊपर से ऐप बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि डेस्टिनेशंस, फिर अप्रॉक्स खर्चा कितना होगा, फिर डेट्स, पूरा का पूरा कैलेंडर इसमें दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स है, स्टोरीज है लोगों की, तो जो भी ट्रैवल स्टोरीज है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव्ड है। वीगो का एक नया कैंपेन शुरू है जो पिछले महीने भी था, #FlyBeFikre, पिछले महीने भी था और वो एक्सटेंड हो चुका है पूरे के पूरे जुलाई महीने के लिए। सो पूरा जुलाई महीना आपके लिए वैलिड है, यू कैन गेट अ फुल टिकट रिफंड। तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको वीगो ऐप से फ्लाइट बुकिंग करनी है, फिर उसका बोर्डिंग पास का स्क्रीनशॉट आपको वीगो के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे हर रोज पोस्ट डालेंगे, उसके कमेंट सेक्शन में आपको वो पोस्ट है वो अपलोड कर देना है फेसबुक पे, और #FlyBeFikre यूज़ करना है, और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आपको शेयर करना है #FlyBeFikre यूज़ करके।
And that's it. Stand a chance to win a full ticket refund every day. Every day one winner will be announced. So grab this opportunity. अगर आप flight tickets या hotel bookings कर रहे हो तो definitely I would highly suggest कि आप Vigo से करें, because मैं हमेशा और काफी time से कर रहा हूँ and I've got so far amazing deals. अपने travel videos में मैं दिखाते रहता हूँ कि कितनी अच्छी deals मिलती है. So yes, grab the opportunity. अब करेंगे इसको हम unbox. ग्रोसरीज पहली बार मंगाया है अमेजोन से. अब ये सब क्या है, इतना सारा पेपर. तेल, मेयोनीज हमने काफ़ी बड़ा मंगाया, बिकॉज मेयोनीज आजकल थोड़ा हम खा रहे हैं. सो मेयोनीज, अपना ये फ्लोर क्लीनर और ये सब चीज़ें हैं इसमें. चना, हार्डली 10 आइटम मंगाए होंगे और इसका खर्चा हुआ 1000 रुपये. सोचो घर गृहस्थी में खर्चा बहुत होता है. अगर आप बैचलर हो तो संभल करो. अब ये पूरा एक बॉक्स में आ जाता है, शायद से अलग अलग जगह से आया है. इसमें देखो इतना बड़ा बॉक्स और इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें. आप सोचोगे नमक भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बॉक्स कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ बंद है. सो तेंदुए को जस्ट मैं थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर रहा था और मैंने ये मंगाया है अमेजोन से. इसको थोड़ा देखना पड़ेगा. मैं पहले ट्राई करता हूँ इसके बॉर्डर को, ये वाले बॉर्डर को लगाता हूँ. अगर चिपक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेवल DIY करेंगे. लेट्स सी. तो मैंने ग्लू लगा दिया है और इसको मैं सिर्फ पकड़ के थोड़ा 2-3 मिनट से खड़ा हूँ. लग तो रहा है चिपक गया है. एक्चुअली इसको 2 दिन तक लग सकते हैं सूखने के लिए, उस पर लिखा हुआ है. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू है. आई होप इससे काम चल जाएगा. चलो आई थिंक इसको थोड़ी देर और पकड़ना पड़ेगा, बट तब तक मैं पीछे वाला कर लेता हूँ. थोड़ा सा गीला है, इसको थोड़ा पोंछना पड़ेगा. इसको एक्चुअली लगा के रखना पड़ता है थोड़ा 2-3 मिनट, वो मैं सामने भूल गया करना, पर ठीक है कोई नहीं, अभी कर लेंगे. ये देखो ये लग रहा है. सो ऑपरेशन तो हो चुका है, पता नहीं कितना सक्सेसफुल है. इसको थोड़ा मैंने प्लास्टर जैसा एक सपोर्ट दे दिया, बिकॉज ये नीचे थोड़ा सा गिर गया था. इसको चिपकने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इसको टाइम तो लगेगा. एंड यहाँ पे मैंने नीचे ये रख दिया ताकि इसको सपोर्ट मिले. बहुत चिपचिपा हो गया, देखो बहुत चिपचिपा हो गया. आई एम नॉट रियली श्योर अभी कितना काम करेगा, लेकिन ट्राई करना तो मेरा काम है. देखते आपको पता चल ही जाएगा. सो पीछे मैंने जो प्लास्टिक बांधा था उस पर मैंने एक कपड़ा बांध दिया ताकि ये इस पर टिका रहे और एक गिरे ना. अभी 1-2 दिन मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा. लग तो रहा है काफ़ी स्ट्रांग है, देखते हैं. ओके चलो हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी. सो खुफिया सूत्रों से पता चला है कि स्क्विरल जो है वो यहीं पे है. आई थिंक कल शाम से वो गई नहीं है, वो इधर ही है. हाँ, अब समझा, ये पीछे से आते हैं लोग. ये जो डब्बा है ना, ये डब्बे में स्क्विरल्स रहते हैं. तो ये रही छुप के बैठी हुई. इधर आ, इधर आ, ए इधर आ. एक्चुअली दो है, एक ये डब्बे में है जो अब भी मैंने देखा. अरे खुपस खास. भाई ये तो पैरों के निशान है. कपड़े तो भी चल रहे हैं. ऑलराइट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, और नए अगर आप हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बिकॉज अपना चैनल थोड़ा ग्रो होता है तो फिर थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए. और कमेंट करके बताइए मुझे कैसा वीडियो लगा. जो इंडिकेटर पे अपन ने जुगाड़ किया है, जुगाड़ नंबर 1 है. जुगाड़ नंबर 2, अगर जुगाड़ नंबर 1 फेल हुआ तो जुगाड़ नंबर 2 ट्राई करेंगे. जुगाड़ नंबर 2 100% फिक्स हो ही जाएगा, बट ये जो मैंने अभी ग्लू लगाया है इसको 2 दिन बाद मैं चेक करूँगा. अभी टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि वो ख़राब रास्तों पे टिकेगा. नॉर्मल हाईवे पे और स्मूथ रास्तों पे तो चलो टिक जाएगा, बट आफ्टर सम पॉइंट इवेंचुअली वो गिर ही जाएगा, बिकॉज ग्लू कितना भी टाइट हो जाए, बारिश रहती है, धूप रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एनीवेज सेकेंड वाला ऑप्शन है DIY. जुगाड़ करे बिना अपन इंडिकेटर चेंज नहीं करेंगे, पहले जुगाड़ करेंगे, नहीं हुआ तो इंडिकेटर चेंज करेंगे. दैट्स इट. तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो और सेफ रहो. सबसे मेन है सेफ रहो, बहुत ज़्यादा सावधानी.